वैसे मुझे खुशी है मेरे बीमार होने की। जी बिल्कुल। क्या कह रही हो, मेरी तबीयत खराब है और तुम्हें खुशी हो रही है? कम से कम हमजा साहब और बेगम साहिबा की तवज्जो तो आपको मिली इसी बहाने से। अब ये बताओ कितने दिन मेरे सर पे सवार रहने का प्रोग्राम है? मैं तो अम्मा से कह के आ गई हूँ कि 2-3 हफ्ते तक तो मेरा इंतजार ना ही करें। 2-3 हफ्ते? तुम सही कह रही हो, आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। अल्लाह ही जाने वो क्या खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही हूँ। पकाने दो। बाजार तो मुझे जाना होता है ना सौदा सर्फ लेने के लिए, महंगाई है कि दिल दहला के रख देती है। देखो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। हाँ लेकिन घर कैसे चलेगा फिर? पोजीशन तो तकरीबन क्लियर हो चुकी है सर। मतलब फिर भी किस हद तक क्लियर है यही पूछ रहा हूँ। इस हद तक के ट्राई स्टार हमारी पेमेंट रिलीज करने के लिए राजी हो गई। यही तो समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? कि हमारी बनी बनाई सेटिंग कैसे बिगड़ रही है। साहब मैंने आपको फ्री हैंड देकर रखा हुआ है और आप मुझे ये जवाब दे रहे हैं। खबर ये है कि कल ड्राइवर आ रहा है मुझे लेने के लिए। किसका ड्राइवर और कहाँ ले जाने के लिए? तुम्हारा ड्राइवर और तुम्हारे घर लेके आएगा मुझे। या अल्लाह अब किस गहरी सोच में बैठे हो, रोज कोई नई सोच है तुम्हारी। मैं आमना के बारे में सोच रहा हूँ। आमना के बारे में क्या सोच रहे हो? यही कि वो अनिला के घर जा रही है, वहां जाके कोई गुल ना खिला दे। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी जवान बेटी के बारे में इस तरह के इल्जाम लगाते हुए? अरे भाई मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा। ये इल्जाम नहीं है तो और क्या है रशीद? मेरा कहने का मकसद है कि वहां जाए तो जरा संभल के रहे। किन मायनों में संभल के रहे? मेरा मतलब है कि देखो फरखंदा का वहाँ एक जवान बेटा रहता है। हाँ तो वो तो रहेगा, उसका घर है। तो आमना भी वहाँ होगी। पहलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ कहना क्या चाह रहे हो। भाई उससे कहो कि जरा वहाँ उससे सलीम से दूर रहे। तो ये बात है। हाँ ना शगुफ्ता मेरे दिल में खटका है, सलीम सही लड़का नहीं है। तो ठीक है मैं आमना को मना कर देती हूँ, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे बाबा मैंने कब कहा कि तुम उसे जाने से मना कर दो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एहतियात करे, संभल के रहे, उससे दूर रहे। ठीक है भाई मैं समझा दूंगी। इसी में हमारी भलाई है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी भलाई किस चीज में है और तुम क्या सोच रहे हो। जी सर बोले। ऐसे माल वेयर हाउस पहुंच जाएगा, तुम लोड करवा देना। ओके बॉस नो टेंशन। बाकी सब सही चल रहा? जी जी फिक्र की कोई बात नहीं है। देखो आसिफ हमने बहुत आगे तक जाना है। मैं समझ सकता हूँ, ये तो हमारा इब्तदाई सफर है और इब्तदाई तगड़ी होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें आसिफ, मेरा एक एम है, मैं किसी भी तरह उस एम को हासिल करना चाहता हूँ। और वो एम क्या है? मेरा एम है मैं इस खेल का मास्टरमाइंड बनना चाहता हूँ जो जिस वक्त जिसे चाहे हिला दे। ओहो, बड़े ऊंचे ख्याल आते हैं आप। छोटे लोग छोटे ख्यालात रखते हैं, बड़े लोगों की नजर तो सिर्फ आसमान की तरफ होती है। और इन तमाम सफर में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं अपने वफादारों को नवाजना बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसका अमली मुजाहरा हम देख चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं आसिफ जो प्लानिंग मेरे दिमाग में चल रही है। आप सिर्फ प्लान बनाए उस पर अमल करना हमारा काम। आसिफ वक्त के साथ साथ मैं तुम्हें बताता रहूंगा और हम अमल करते रहेंगे। बैठी रहिए आप अपनी जगह पर, बिल्कुल भी हिलिएगा नहीं। हाँ बाबा मैं बैठी भी तो हूँ। जब तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। एक तो ये तबीयत खराब बात का पतंगर बन गया है। बेगम साहिबा का हुकुम है कि आपको घर के किसी भी काम में हाथ नहीं डालने देने। तो मैं कौन सा कोई काम कर रही हूँ, तुम्हारे सामने बैठी भी तो हूँ। और हमजा साहब भी जाते हुए ताकीद करके गए थे। मैंने भी सबको परेशान करके रख दिया। इसमें परेशानी की क्या बात है, आप मुझे बताएं मसाले कौन से भूनने? वही जो मैंने अलग करके रखे। सिर्फ वही मसाले?
हाँ बाकी तो तैयारी के वक्त डलेंगे ना। चलें ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बाद में डाल दूंगी। हाँ हाँ बाकी भी बता दूंगी, पहले सालन बनाना तो शुरू करो। वैसे मुझे खुशी है। मेरे बीमार होने की? जी बिल्कुल। क्या कह रही हो, मेरी तबीयत खराब है और तुम्हें खुशी हो रही है? कम से कम हमजा साहब और बेगम साहिबा की तवज्जो तो आपको मिली इसी बहाने से। हाँ ये बात तो है, मेरे पीछे दोनों बहुत परेशान हैं। जी अरे देखो किचन में जाके देखो ये क्या लग गया है, कहीं कोई हंडिया ना लग जाए। जाओ और गोश्त में एक गिलास पानी भी डाल देना। जलाई ना थी कुछ। शब्बो हंडिया लगी तो नहीं? अरे वाह 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 चश्मे बदूर, हाय किसी दावत में जा रही हो क्या? मेरे लिए किसी दावत से कम है क्या? हाँ ये बात तो है। अम्मा अब तुम देखना मेरे जलवों का कमाल। भाई जो भी करना ना बच बचा के करना अपने अब्बा से, क्योंकि अब्बा वैसे ही तुम्हारे बड़े परेशान है सलीम की वजह से। अब्बा की तो तुम रहने ही दो, अब्बा की आदत हो गई है खुद भी परेशान होने की और हमें भी परेशान करने की। लेकिन बेटा एक बात तो ठीक है ना, हमें क्या पता किसके दिल में क्या है। तुम फिक्र नहीं करो अम्मा, इस दफा मैं लालच में नहीं मारी जाऊंगी, काम करूंगी वो भी पक्का वाला, आखिर शगुफ्ता की बेटी हूँ मैं भी। ये बात तो है, सब के जाऊं मैं तेरे वारी जाऊं। अम्मा यकीन से कह सकती हूँ तू पक्का काम कर सकती है। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह खूबसूरत। जा रहे हो बेटा? जी माम। अच्छा तो मनीरा की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, आज आमना आ जाएगी। ठीक है। और अगर अनिला की तबीयत जरा सी भी खराब हुई ना तो आज मैं उसकी एक भी नहीं सुनूंगी, उसे फौरन डॉक्टर के ले जाऊंगी। ऐसा करिएगा आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं भी आ जाऊंगा। अरे नहीं बेटा तुम कहाँ भागते फिरोगे? लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है मां। अरे बहू होने के नाते वो मेरी भी जिम्मेदारी है, तुम टेंशन क्यों लेते हो? चलिए जैसा आपको ठीक लगे। बिल्कुल। क्या बात है आसिफ, इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने वो माल रास्ते से वापस भिजवा दिया है। क्या मतलब, एक बार मुझसे तो पूछ लेते। सिचुएशन ऐसी थी कि मैं आपको नहीं बता सकता था। ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी थी कि तुमने माल वापस भिजवा दिया? किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ी गेम कर दी है सर। ऐसी किसकी जरूरत है कि हमारे साथ गेम करे? ये तो मैं नहीं बता सकता। तो फिर माल क्यों वापस भिजवाया? मेरे इन्फॉर्मर ने इत्तला दी थी कि हमारे वेयर हाउस पे छापा पड़ने वाला है। क्या चले, पैर नीचे रखें और जोर डालने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हाँ नीचे रखें। बहुत बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। भी तो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना हमजा। हाँ रखें, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मुझसे नहीं हो पा रहा है हमजा। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपने विल पावर का ही सहारा लेना पड़ेगा। मुझे सेम ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा पहली दफा चलने की कोशिश करता है ना। हाँ तो ऐसा ही होता है, पहले बच्चा चलता है फिर गिर जाता है, फिर चलता है फिर गिर जाता है, और आखिरकार एक दिन वो बच्चा चलने लगता है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। नहीं ना हमजा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, कोशिश तो करें। हिम्मत नहीं हो रही मेरी। वाह शहर का जाना माना इतना बड़ा बिजनेसमैन और अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। नीना मुझे तकलीफ बहुत हो रही है, मुझसे नहीं हो पा रहा। कोशिश तो करें आप। अच्छा बेड को मत छोड़ें लेकिन पैरों को जमीन पे रख के उस पे जोर तो डालें। उफ
कितना तकलीफ दे मरहला है। देखिए थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तो आगे आप आसानी से चल पाएंगे ना। अनिला इस मरहले तक मैं आज तुम्हारी वजह से पहुंचा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी ही कोशिशों की वजह से पहुंचे। फिर भी अगर आज तुम मेरे लिए इतनी कोशिशें ना करती तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे गुजर जाती। तो क्या ऐसा आपको अच्छा लगता? यकीनन नहीं। चले हाथ आगे बढ़ाए और भले मेरे कंधे का सहारा ले लो, उठे चले चले। हाँ ऐसे बस इतनी हिम्मत करनी है। उठे नीला आज के लिए इतना काफी है भाई। अच्छा चले आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। कोई बात नहीं। शब्बो तुमने किचन सारा समेट लिया? जी बेगम साहिबा मैंने सारी सफाई भी कर दी है। अच्छा अब ऐसा करो कि रूम में झाड़ पोंछ कर दो सबके, ठीक है? जी ठीक है। और तुम ऑफिस? यस मॉम। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारी जो टेंशन थी वो खत्म हो गई? नो मॉम, बल्कि अब तो पुरानी टेंशन्स भी सॉल्व हो रही हैं। थैंक गॉड, अच्छी बात है बेटा। अरे तुम कहाँ चली आ रही हो? वो बस मॉम से पूछना था कि दोपहर के खाने में क्या पकेगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें खाना बनाने की, अपनी तबीयत देखिए, आराम करो जाके। बेटा मैं रिवायती सास नहीं जो बहू पर जुर्म करूं, तुम जाओ अपने कमरे में और आराम करो। हाँ काम तो होते रहेंगे, और भला ये शब्बो किस मर्ज की दवा? अम्मी कमरे में लेटे लेटे दिल घबराने लगता है। मॉम इस पे वही भूत सवार है, काम काम और सिर्फ काम। बेटा काम जरूरी है लेकिन पहले आराम जरूरी है, जाओ अपने कमरे में जाके आराम कर। ठीक है ठीक है मॉम, अब मैं भी चलता हूँ। हाँ इंशाल्लाह, तुम भी जाओ अपने काम पे ध्यान दो। तो हो गई तैयारी, जरा संभल के रहना वहां। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो हर वक्त मुझे समझाती रहती हो? तू भी ना पूरी एक फिल्म है, मैं कह रही हूँ अनिला से संभल के रहना। उसने मेरा क्या बिगाड़ लेना है? अरे कोशिश तो कर ली थी ना उसने। कौन सी कोशिश? यही कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे अब्बा से लगाई मुझे उसी ने की थी। इसका मतलब है अब्बा की जो आग लगाई थी वो उस मरहूस ने लगाई थी। मुझे तो यही लगता है भाई। अम्मा तुम फिक्र ही नहीं करो, जो तुम्हारी इस आफत की पुड़िया से टक्कर लेगी ना वो खुद ही पछताएगी। और हाँ एक बात और है। वो क्या? देखो बेटा सलीम से ना कुछ फासले पर रहना। अम्मा सलीम बहुत अच्छा लड़का है। कोई कितना भी अच्छा हो मगर हमें अपनी एहतियात तो करनी पड़ती है ना। ठीक है अम्मा। अच्छा सुनो। क्या हुआ अम्मा? वो कुछ नहीं, मैं ऐसी छेड़ रही थी। मुझे लगता है ड्राइवर आ गया, मैं तो चली। अच्छा सबका दे देना, नजर ना लग जाए मेरी बच्ची के संग। ध्यान से। मैंने जिंदगी में कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया, तो फिर अचानक मुझे क्या हो जाता है कि मैं अनिला के बारे में नेगेटिव सोचने लगती हूँ? कभी कभी तो मुझे अपने ही रवैये पर शर्मिंदगी होने लगती है, जबकि मैं भी देख रही हूँ कि अनिला हमजा और इस घर के बारे में कितनी फिक्रमंद है। हाँ शब्बो क्या हुआ, कोई बात है? बेगम साहिबा दुल्हन बेगम की बहन आई है आमना। हाँ हाँ उसे मैंने ही फोन करके बुलाया है, तुम उसे दुल्हन बेगम के कमरे में भेज दो। ठीक है बेगम साहिबा। उसे कोई तकलीफ नहीं होने देना, ठीक है? उनके लिए वही कमरा तैयार कर दो जिसमें वो पहले ठहरी थी। हाँ हाँ वही कर दो। जी ठीक है। और उसे कुछ खाने पीने का भी पूछ लेना।
उम्मीद तो है कि छोटी बहन के आने से दुल्हन कुछ रिलैक्स हो जाएगी। शायद। शायद क्यों? यकीनन होगी। नहीं, मैंने तो बस वैसे ही कह दिया। और हाँ, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही कर डा। जी बेगम साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसका मतलब है हमारा काम बढ़ने लगा। जी सर, अल्लाह का शुक्र है। अरे सलीम, आओ बैठो। मुझे लग रहा है आप लोग बिजी हैं। अरे भाई, अपने भाई के लिए भी क्या बिजी होना, बैठो। असल में मुझे जरा जल्दी थी। एक टेंडर पास करवाना है, इस पर चिड़िया बिठा दे। अभी कर देते हैं। एक बार देख तो लेते कि टेंडर है किस चीज का। अरे यार, तुम्हारे ही टेंडर है ना, तो बस फिर देखना कैसा। मैं ये कह रहा था कि सर आजकल जो हालात चल रहे हैं, अब एक नजर फाइल देख तो लेते। आपके कहने का ये मतलब है कि मैं अपने भाई पे शक करूं? सर बिजनेस है सर। बिजनेस हो या कुछ और, मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। यकीन होना भी चाहिए सर। लगता है तुम्हें मेरे आने से ज्यादा खुशी नहीं हुई है। मेरी खुशी को छोड़ो, अब यहां आ ही गई हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे खास तौर पे तुम्हारी सास ने फोन करके बुलाया, जानती हो। अब ये बताओ, कितने दिन मेरे सर पे सवार रहने का प्रोग्राम है? मैं तो अम्मा से कह के आ गई हूँ कि 2-3 हफ्ते तक तो मेरा इंतजार ना ही करें। 2-3 हफ्ते? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं चलेगी। तो फिर कौन सी कहानी चलेगी? आमना, तुम बस 2-3 दिन में जाने की करो। वाह वाह भाई, वो क्यों भाई, इतनी जल्दी क्यों भगा रही हो? आखिर बहन हूं तुम्हारी मैं। इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ, शादीशुदा बहन के घर में एक कुंवारी बहन रही अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे तो यहीं रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा ये जो नदीदापन है ना, यही तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन बर्बाद होता है और कौन आबाद होता है। देखो, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं है। इत्तला देने का शुक्रिया। और एक बात याद रखो, मेरी तबीयत भी 2-3 दिन में संभल जाएगी। हो सकता है। फिर तुम्हारा यहाँ रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रहेगा। जवाब तो मैं खुद तलाश कर लूंगी। मैंने कहा ना आमना, 2-3 दिन में यहां से वापस जाने की करो। मैं ना अम्मा को सब बताऊंगी कि तुम मेरे ऊपर कैसे रोब जमा रही थी अपना। हाँ तो बता देना, ये चुगलखोरी करना तो बचपन से तुम्हारी आदत है। क्या हुआ आंटी, तबीयत तो ठीक है आपकी? कुछ नहीं बेटा, बस सर कुछ भारी भारी सा हो रहा है। अरे आंटी, अक्सर ना सर भारी बालों की खुश्की की वजह से होता है। अच्छा,
एक और हकीम। मैं आपके सर में तेल की मालिश कर देती हूँ, अभी दर्द भाग जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो, तुम्हारी मेहरबानी है कि बहू के होते हुए तुमने पूछ लिया। अनीला की तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से नहीं पूछ सकी होगी वो। हाँ हो सकता है। वैसे आंटी, आज मैंने खाना कैसा बनाया था? बहुत ही अच्छा। मैं तो समझी थी कि सिर्फ अनीला ही खाना अच्छा बनाती है। इसने खाना बनाना कब सीख लिया? वाह भाभी, आज तो कमाल ही मिलती है। क्या मजे का खाना बनाया था, मेरा तो अभी भी दिल नहीं भरा। भाई आज अनीला ने खाना नहीं बनाया। भाभी ने नहीं बनाया? तो फिर शब्बो इतना अच्छा खाना कब से बनाने लग गई? आज का खाना मैंने बनाया था। अरे वाह, यानी आपके हाथ में तो अपनी बहन से भी ज्यादा जायका है। हाँ ऐसे ही है बेटा। मुझे वाकई नहीं मालूम था कि आज का खाना आमना ने बनाया है। अरे दुल्हन, तुमने तो परहेजी खाना खाया होगा ना, इस वजह से तुम्हें पता ही नहीं चला। जी शायद। शुक्र है आप लोगों को मेरा खाना पसंद तो आया। غفور بھائی 30 سال کی طویل ملازمت کے بعد آخر ریٹائرمنٹ کا دن تو آنا ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہی دن تو سب سے بھاری دن ہوتا ہے ایک نوکری پیشہ فرد کے لیے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن اس دن سے دور بھی نہیں بھاگا جا سکتا۔ صحیح کہہ رہے ہو، آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے۔ بالکل موت کی طرح۔ رشید بھائی، ایکسٹینشن کی بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ आपको पता भी कि इदारा डाउन साइजिंग की तरफ जा रहा है, हम ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? ऐसे में एक्सटेंशन की बात करना एक लतीफे जैसी है। बस वफूर भाई, अब तो ये सोचते हैं कि आइंदा की आने वाली जिंदगी को कैसे आसान बनाया जाए। यार यही तो सबसे बड़ा मसला होता है एक रिटायर आदमी के लिए, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के 30 साल एक लगे भदे निजाम के तहत गुजारे होते हैं। और जो काम हम लोग करते हैं उसमें होते हुए हम लोग कोई और काम भी नहीं कर सकते। सही कह रहे हो, यही बात है। अब रिटायरमेंट के बाद अगर किसी काम का सोचें भी तो कैसे सोचें, क्योंकि तजुर्बा तो हमारा बिल्कुल सिफर होता है। और नतीजे के तौर पर रिटायरमेंट में जो रकम मिली होती है उसके जाया हो जाने का खदशा होता है। ऐसे में मुझे एक बात समझ आती है। अच्छा वो क्या? वो ये कि रिटायरमेंट के बाद जो रकम मिले उसको सही और भरोसे वाली जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जाए। मशवरा तो अच्छा है तुम्हारा गफूर भाई, मिलने वाला मुनाफा और पेंशन मिलकर अच्छा गुजारा हो सकता है। लेकिन रशीद भाई, बात वहीं आके रुक जाती है, भरोसे की जगह, क्योंकि हर जगह तो फ्रॉड चल रहा है। हाँ मगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सोचते हैं क्या किया जाए। चले अल्लाह मालिक है, चलो ना। ये लीजिए आपका गरम गरम जुशांदा। क्या बात है, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। लेकिन मुझे तो आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे। किन मायनों में? यही कि आपकी छोटी बहन ने खाना कैसे बना लिया। पता नहीं, शायद तुक्के में अच्छा बन गया हो। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात? इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन अब लेकिन के आगे कुछ तो बोलो। लेकिन उनको बनाने के लिए चूल्हा तो जलाना पड़ता है। तो जाहिर है
बगैर चूल्हा चलाए खाना कैसे बन सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ कि आमना बीबी ने चूल्हा जलाए बगैर खाना कैसे बना लिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब साफ है, आमना बीबी ने कोई चक्कर चलाया। और चक्कर चलाने के लिए तो उसका इस घर से बाहर जाना भी जरूरी था। मैंने ड्राइवर से भी पूछ लिया है लेकिन वो बाहर नहीं गई। तुम सही कह रही हो, आसार कुछ अच्छी नजर नहीं आ रहे। अल्लाह ही जाने वो क्या खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही है। पकाने दो, छोटी बहन है मेरी, क्या ही कर लेगी। तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है। Yes, come in. सर आज मिठाई खाना तो मेरा हक बनता है। क्या बात है सही साहब, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सर आज वो गुड न्यूज आ गई जिसका हमें बेचैनी से इंतजार था। और वो क्या है? सर ट्राई स्टार ने हमारी पेमेंट रिलीज कर दी। अरे सर आप प्लीज बैठ जाइए। इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। यस सर, मेरा खुद दिमाग साथ में आसमान पे उड़ रहा है। यानी हम जिस रकम को डूबा हुआ समझ रहे थे उसी ने हमारी नई पार लगा दी। सर ये तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा जही साहब कि मैं आपका शुक्रिया किस जबान से अदा करूं। सर ये तो मेरा फर्ज था और अल्लाह ने मेरी कोशिशों को कामयाब बना दिया। अल्लाह का शुक्र है कि आपने कोशिश की और अल्लाह ने इसका फल दिया हमें, वरना मैं तो यही सोच के परेशान हो रहा था कि हम इसका अजाला कैसे करेंगे। अब सब ट्रैक पे आ जाएगा सर। और वो रकम यकीनन कब तक हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी? सर इस प्रोसेस को 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ये रकम ट्रांसफर हो जाए हम सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज को पूरा करेंगे। बहुत जरूरी है सर। शुक्र है मेरे मालिक का कि उसने हमारी और इस कंपनी की साख बचा ली। जी सर। अरे आप बैठे ही रहेंगे क्या, मिठाई खिलाएं? नहीं सर, मैं अभी जाता हूँ और अभी लेके आता हूँ। गुड। खालदा तो कहती थी कि छोटी बेटी बहुत चुलबुली और लाउबाली है, मगर इसे तो अदबो आदाब और खाना पिरोना सब आता है। आमना को ठुकरा कर कहीं हमजा ने गलती तो नहीं कर दी? उसके हाथ में अपनी बड़ी बहन की तरह जायका भी है और मेरा भी वो कितना ख्याल रखती है। बेगम साहिबा आपने बुलाया? हाँ हाँ मैंने बुलाया था। जी बोलिए। देखो आमना हमारे घर मेहमान है ना? जी। तो जब वो किचन में खाना बना रही थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अब मैं आपको क्या कहूँ? ठीक है, इस बार तुमसे गलती हो गई ना, आइंदा ना हो। जी। वरना तो शगुफ्ता बेगम क्या सोचेंगी कि उनकी पहली बेटी की तरह हमने दूसरी बेटी को भी काम के लिए बुलाया है। जी बेगम साहिबा मैं ख्याल रखूंगी इस बात का। वैसे तुमने खाना खाया था? जी मैंने चख लिया था। कैसा लगा? लग ही नहीं रहा था कि घर का पका हुआ। यही तो, मुझे भी बिल्कुल वो खाना 5-स्टार होटल जैसा लगा। जी होटल जैसा ही लगा। यानी कि आमना इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े होटलों को टक्कर देने लगी है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम जाओ और आमना का ख्याल रखना, और हाँ आइंदा उससे बिल्कुल भी काम मत करवाना। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। ओके। Thank you.
हेलो बड़ी बहन, उम्मीद करती हूँ आपकी तबीयत अब तक ठीक नहीं होगी। मेरी तबीयत तो जब ठीक होनी होगी तब हो जाएगी। तुम मुझे बताओ कि तुम कौन से खेल खेल रही हो? अरे मैं और खेल, ये क्या कह रही हो? मैं तो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची हूँ जो छोटे छोटे गेम खेलती है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये अचानक से तुमने खाना बनाने कहाँ से सीख लिया? वो तो बस सीख लिया घर बैठे बैठे। यकीनन अम्मी ने तो नहीं सिखाया होगा, क्योंकि उन्हें जितना खाना बनाना आता है वो तो हम सभी जानते हैं। वैसे मुझे बहुत कुछ जलने की बू आ रही है। जलने दो, मैं जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। अरे तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है आज के दौर में? क्यों, आज के दौर में तुम्हारे हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है? ये मोबाइल किसी अलादीन के चिराग से कम है क्या? यानी वो खाना तुम्हारे इस मोबाइल ने बनाया है? सीधी सी बात है, मैंने मोबाइल में रेसिपी देखी और उसके मुताबिक डिश बना दी। और डिश अच्छी भी बन गई? हाँ, इत्तफाक से सबने मेरी तारीफ कर दी और तुमको जलन होने लग गई। You jealous people।